हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम सोनू एंड वेलकम टू विद्या विहार फैमिली वंस अगेन। एज प्रॉमिस्ड, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। तो कल हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, उसके सारे पार्ट्स को देखा था, आठों पार्ट्स का नाम देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था और एग्जाम्पल देखा था। एक स्टोरी टाइप से हमने समझने की कोशिश की थी कि प्रत्येक का क्या क्या रोल होता है सेंटेंस में। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ओनली नाउन से। नाउन के पार्ट्स ऑफ नाउन में जाने से ज्यादा अच्छा है हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़े। जैसे कि नाउन के अंदर आता है सबसे पहले नंबर, फिर जेंडर, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ नाउन में। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नंबर पे। चलिए देखते हैं क्या होता है नंबर। इंग्लिश ग्रामर में नंबर क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर में नंबर बोलते हैं एक काउंट को, जो काउंट अगर वन दिखा है या फिर मोर देन वन दिखा है, किस चीज का? नाउन का, प्रोनाउन का, डिटरमाइनर्स का या वर्ब का, इसको ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नंबर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब लोगों को पता होगा नाउन का, तो सबको पता ही होगा। चलिए देखते हैं नाउन का। जैसे आ जाता है गर्ल, गर्ल एक नाउन है, उसका प्लूरल होता है गर्ल्स। बॉय एक नाउन है, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। प्रोनाउन का देखते हैं, प्रोनाउन हो गया आई, आई का हो जाता है वी। एक प्रोनाउन है ही, एक प्रोनाउन है, उसका हो जाता है प्लूरल दे। डिटरमाइनर्स देखते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया डिटरमाइनर्स का, दिस का दिस, डैट का दोस, ये सारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरा एक पार्ट है डिटरमाइनर्स का। वर्ब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आप लोग ना सोचें कि मैंने उल्टा लिख दिया, ये सही है। कैचेज जो है ये प्लूरल है, और सॉरी सिंगुलर है, और कैच जो है ये प्लूरल है। फ्लाई जो है सिंगुलर है, फ्लाई जो है प्लूरल। वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, एस या ई एस लगा रहे तो वो सिंगुलर हो जाता है, नॉर्मल जो रहता है वो प्लूरल हो जाता है। टाइप्स ऑफ नंबर पे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ नंबर होता है, एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर, दूसरे को बोलते हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि सिर्फ एक के काउंट को दिखाए, सिर्फ एक के काउंट को दिखाए, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, एक लड़का, एक लड़की, एक विद्यार्थी। प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? उस नंबर को बोलते हैं जो एक से ज्यादा के काउंट को दिखाए, एक से ज्यादा की गिनती को जो दिखाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लूरल नंबर। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे एक बॉय नहीं है, एक लड़का नहीं है, यहाँ पे अनेक लड़के हैं, अनेक लड़कियां हैं, अनेक विद्यार्थी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल। नॉर्मल सिंगुलर प्लूरल तो हमें पता है, कैट का क्या हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा, ये सब नॉर्मल है। जो नॉर्मल को मैं कवर नहीं कर रहा, मैंने कुछ कुछ रेयर सब चीज को सेलेक्ट किया है, उसका मैं सिंगुलर प्लूरल आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे फुट, फुट हमारे पैर जो होते हैं उसका हो जाता है प्लूरल। फिट, पर्सन, पर्सन का पर्सन ना होकर पीपल हो जाता है। ये सब कुछ एक चीज है जो याद रखने वाली है। रेडियस का रेडियो हो जाता है, स्टेडियम का स्टेडिया हो जाता है। ब्रदर इन लॉज एक ही है, कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे लॉज कोई ना कर दे वो गलत हो जाएगा, ये हो जाता है ब्रदर्स इन लॉ। डाटम का डेटा हो जाता है, क्रिटेरियन का क्रिटेरिया हो जाता है, मीडियम का मीडिया हो जाता है, अलगा का अलगी हो जाता है, मैट्रिक्स का मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पे एक्स जो है सी एस में कन्वर्ट हो गया, पर्सन पीपल ये रिपीट हो गया। सीप डियर जो हो जाता है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म सेम ही होता है, नो चेंज। अलमनस का अलमनी हो जाता है, एम्फेसिस का एम्फेसिस हो, यहाँ देखिए एस आई एस जो एस सी एस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हुफ देखिए, हुफ्स, हुफ जो बोलते हैं खर बोलते हैं, घोड़ा का सब जो खर सब जो बोलता है उसको हुफ बोलते हैं। एफ देखिए यहाँ पे वी एस में कन्वर्ट हो गया, माउस को माइस में कन्वर्ट किए हैं। प्लेटो को देखें यहाँ पे यू के बाद एक्स लग गया। रनर अप फिर से एक कंपाउंड नाउन, तो फर्स्ट पार्ट में ही एस लगा के हम उसको प्लूरल बनाएंगे। गूज जो होता है गीज, क्राइसिस का एस आई एस को फिर से हम एस सी एस में कन्वर्ट किए हैं। ओवम का हो जाता है ओवम, फोकस को होता है फोकी, विस्कस का हो जाता है विसेरा, स्टोमा का हो जाता है स्टोमेटा। चलिए हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक रूल लेके आए, किस केस में एस आई एस एस सी एस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए किस केस में गूज होता है गीज में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड नाउन का क्या रूल होता है, मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कवर करने का। और हाँ, जिसने पूरा बेसिक अभी तक कवर नहीं किया है वो मेरे वीडियो पे जाए, प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर को फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें, पर्सन से, जो कि बहुत ही बेसिक, मैं एकदम पूरा बेसिक से लेके जा रहा हूँ। बेसिक से कवर करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, ज्यादा हम आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। नरेशन, वॉयस, क्लाउज, पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सबको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर हमारा बेस मजबूत रहा तो। गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी बजा दें, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। So I hope you like the video. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe. और मैं next lecture के साथ आऊँगा, फिर से cover करता हूँ number का ही कुछ एक rule को, मैं कोशिश करता हूँ 4-5 rule पे इकट्ठा करके मैं next class में describe करता हूँ। So I hope you like the video. Thanks guys. Thank you all.